गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे जी आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज का विषय बताने की ज़रूरत नहीं है। इस श्लोक ने आपको बता दिया होगा कि हम आज आपसे गुरु के चरणों की, गुरु की वंदना की बात करने आए हैं। कल गुरु पूर्णिमा थी और जैसा कि आप जानते हैं जिस दिन आयोजन होता है उस दिन मैं आम तौर पर कम ही आना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने लोग आ रहे हैं हम उनके वक्तव्यों को देखें, उनकी भावनाओं को देखें और उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी शांत हो जाए तब हम धीरे से आएं और आपके मन का दरवाज़ा खटखटाएं। आज गुरु पूर्णिमा, कल जो गुरु पूर्णिमा थी उसके अवसर पर आज मैं जो आई हूँ आपके सामने, मैं और आज कुछ नहीं करने आई हूँ। मैं कबीर के कुछ दोहे मुझे याद आ रहे हैं जो गुरु से संबंधित हैं, मैं उन दोहों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, बस और कुछ नहीं। हमारे साथ बने रहिएगा और कबीर के दोहों का आनंद लीजिएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद यो बताए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद यो बताए, यह तन विष की बेल रे, यह तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, पढ़े पढ़ाए जाते थे लोग वेद के साथ, पढ़े पढ़ाए जाते थे लोग वेद के साथ, पैरा में सतगुरु मिले दीपक दीने हाथ, पैरा में सतगुरु मिले दीपक दीने हाँ, ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला, सत्य नाम का मीत, सत्य नाम का मीत, तन मन सुमिरै मिरग जो सुने बधिक के गीत, तन मन सुमिरै मिरग जो सुने बधिक के गीत, बलिहारी गुरु आपनो, बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी शतबार, बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी शतबार, मानुष से देवत किया करत न लागे बार, मानुष से देवत किया करत न लागी बार,
मानुष से देवत किया करत न लागी बार। गुरु कुमार सिस कुंभ है गुरु कुमार, गुरु कुमार सिस कुंभ है गुरु कुमार सिस को गुरु कुमार सिस कुंभ है गड़ी गड़ी कारे खेत, गुरु कुमार सिस कुंभ है गड़ी गड़ी काढ़े खो अंदर हाथ सहार है बाहर मारे चो अंदर हाथ संहार है बाहर मारे चोट कभी राते नर अंध है गुरु को कहते और कभी राते नर अंध है कभी राते नर अंध है गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मोल गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मोल लाख कीमती धन भला गुरु मेरा अनमोल लाख कीमती धन भला गुरु मेरा अनमोल गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारे गुरु आपनो जिन गोविंद यो बताए बलिहारे गुरु आपनो जिन गोविंद यो बताए जिन गोविंद यो बताए तो गुरु जो गोविंद को भी बताने वाले हैं उनके बताने के बाद ही हमें ईश्वर का पता चलता है ईश्वरत्व का पता चलता है और गुरु वह हथौड़ा है जो हमें काट कर छांट कर हमें उस योग्य बनाता है एक ऐसे घड़े के योग्य बनाता है जिसके बल पर हम कुछ कर पाते हैं। ऐसे गुरुओं को शत शत नमन हमारा। और ये गुरु पूर्णिमा है लेकिन पूर्णिमा के बाद हम अमावस की ओर बढ़ते हैं। अमावस की ओर बढ़ते हैं तो अमावस के साथ साथ ये अमावस इज अ सिंबल ऑफ डिक्रीज डार्कनेस और हमारे गुरु की परंपरा में और वह गुरु जो गोविंद से भी जो देव से भी बड़ा है उस परंपरा में कैसे ह्रास आया और किस तरीके से रूप बदले हैं इसके बारे में हम अगले दिन आपसे बात करेंगे। लेकिन तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको अगर लगता है कि मैं आपके मन की बात कुछ कह सकती हूँ तो और अगर वो मेरी क्षमता में है तो मैं उस बात को ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी अपनी भाषा में। भाव आपके, भाषा हमारी और विषय पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे विश्व का। तो बने रहिए हमारे साथ बोले विभा में और नए नए विषय के साथ और नए नए भावनाओं के साथ, समाज की भावनाएं, देश की भावनाएं और हमारे आपके जीवन की बातों, इन बातों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि, शबा खैर। और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।